मेरा भारत महान और आप सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और ट्रेनिंग सेशन को लेकर, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट ऑनलाइन टीचिंग लेसन्स। तो बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास टीचर्स के आए जब मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग्स ली, जैसे गुरुशाला पर मैंने लिया जो वोडाफोन ने पावर्ड किया उसको, और अभी बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस मैंने अपने स्कूल्स के लिए भी लिए। तो वहाँ पर ये सभी की क्वेरीज थी कि कैसे ऑनलाइन टीचिंग लेसन्स को क्रिएट किया जाए, तो इसी पर ये पूरा ट्रेनिंग सेशन रहने वाला है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ ट्रेनिंग सेशन शुरू होने से पहले कि आप सभी मेरे साथ जुड़े। तो चलिए ट्रेनिंग सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट वॉट आर द टूल्स नीडेड, क्या क्या वो टूल्स हैं जो हमें चाहिए। सो हियर वी नीड टू हैव द कंटेंट प्रेजेंटेशन इंटरफेस, कि कहाँ पर कंटेंट प्रेजेंट करना है। तो जैसे मैं अपना कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ कर रहा हूँ, PPT यूज़ कर रहा हूँ, मगर और भी क्या कंटेंट प्रेजेंटेशन इंटरफेसेज हैं जो हम सभी यूज़ कर सकते हैं, वो क्या टूल्स हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे राइटिंग टूल्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर, देन व्हाट आर द टूल्स फॉर वॉइस रिकॉर्डर एंड देन वीडियो एडिटर, बैकग्राउंड स्क्रीन, बुक्स और कंटेंट, ये आप सभी जानते ही हैं, फिर भी मैंने इसको लिखा इसमें, एंड टूल्स फॉर लाइव क्लासेज। अगर आप लाइव क्लासेज लेने में इंटरेस्टेड हैं तो वो क्या क्या टूल्स हैं जिनसे हम लाइव क्लासेस ले सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए शुरू से लेकर अंत तक। नेक्स्ट, सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंटेंट प्रेजेंटेशन इंटरफेस, वो क्या कंटेंट प्रेजेंटेशन के इंटरफेसेज हैं, वहाँ यहाँ हमें समझना है वो क्या इंटरफेसेज हो सकते हैं। जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो पावर पॉइंट PPT मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, आप लोगों की ये जो मैं ट्रेनिंग सेशन ले रहा हूँ, आप इसको एक वीडियो मान सकते हैं, कुछ भी जो भी आप इसको समझ रहे हैं, तो मैं PPT यूज़ कर रहा हूँ। तो आप PPT यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास PC या फ़ोन अवेलेबल है। मैं फ़ोन से भी बताऊँगा कि आप फ़ोन से कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड, ये एक एप्लीकेशन है, इसका नाम आप टाइप कीजिएगा। अगर आपके पास विंडोज़ की ओरिजिनल विंडो है आपके पास, तो माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और आप उसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको इंस्टॉल करने के लिए इसके ड्राइवर्स जो सॉरी सॉफ्टवेयर है वो मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड, इसे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक आता है वन नोट, MS ऑफिस के साथ वन नोट की एक एप्लीकेशन है जहाँ पर आप लिख कर समझा सकते हैं, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ऐप है। और दोस्तों और सभी गुरुजनों से मेरा ये निवेदन है कि मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये सब चीज़ें मैं यूज़ कर चुका हूँ। मैं अपनी ऑफलाइन टीचिंग से लेकर ऑनलाइन टीचिंग में जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जिसको मैं पर्सनली कर चुका हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ये सभी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड भी मैं यूज़ कर चुका हूँ, वन नोट भी मैं यूज़ कर चुका हूँ, पेंट ब्रश करके आपने एक ऐप होती है, इसे शायद आपने कभी यूज़ किया हो, तो पेंट ब्रश पर भी आप टीचिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्लेन बोर्ड, यदि आपके पास लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर नहीं है तो आप कैसे करें। तो आपके पास सबसे अच्छी सुविधा है कि आपके पास प्लेन बोर्ड हो, चाहे वो ग्रीन बोर्ड है, चाहे वो वाइट बोर्ड है, चाहे वो ब्लैक बोर्ड है, तो उसे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने मोबाइल कैमरा के थ्रू। इसके बाद चार्ट पेपर्स, अगर आपके पास बोर्ड नहीं है तो चार्ट पेपर से भी लोग टीचिंग करते हैं, और मैं आप सभी को बता सकता हूँ, और आप एज ए शिक्षक मेरे से एग्री करेंगे कि इट इज़ द टीचर हु मैटर्स, इट इज़ द टीचर्स कैपेबिलिटीज हु मैटर, नाइदर दीज टूल्स। टूल्स ठीक है, थोड़ा बहुत हेल्पिंग एड है, मगर टीचर का जो कॉन्फिडेंस है, टीचर का अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, और टीचर की जो अपनी स्किल्स है टीचिंग में, वो ज़्यादा मैटर करती है, चाहे समस्या आपको कहीं पर भी आ रही हो या सिचुएशन कुछ भी हो। तो चार्ट पेपर से भी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसके बाद अगर चार्ट पेपर्स भी अवेलेबल नहीं है, तो नोटबुक आपके पास अवेलेबल होगी, तो नोटबुक से भी आपने, अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना समय हो गया है, आप सभी ने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लिया होगा, आपके जो साथी होंगे उन्होंने इन चीज़ों से पढ़ाया होगा, तो आप सभी इन चीज़ों को देख रहे हैं। इसके बाद अगर आपके पास नोटबुक भी नहीं है और आप इसको थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं, और A4 शीट, जो प्लेन A4 शीट आती है, वो अवेलेबल है, तो आप इसको स्केचेस के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं। A4 शीट पर भी बहुत अच्छी टीचिंग होती है, बहुत वंडरफुल टीचिंग होती है, और जो टीचर्स का अपने ऊपर, अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है और वो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया है COVID-19 की वजह से, वो A4 शीट की बदौलत भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप YouTube भरा पड़ा है ऐसे वीडियो से। ओके, लाइट बोर्ड, ये एक चीज़ नई है,
मगर मेरी बात मानिए बहुत सस्ती है। अगर आपके पास एक ग्लास अवेलेबल है, छोटा सा ग्लास अवेलेबल है, उस पर LED लाइट लगा दीजिए, उसको पेस्ट कर दीजिए कहीं से भी, और उस लाइट ग्लास का स्टैंड बनवा लीजिए, वुडन स्टैंड या जैसे भी, वो टेबल पे टिक जाए। फिर एक अंधेरे कमरे में जाइए, वो LED लाइट ऑन करिए, और प्लेन जो सिंपल मार्कर होते हैं जो अपने आप वाइट बोर्ड पर यूज़ करते थे, वो लीजिए और उनसे उससे लिखिए। वो आपने ऐसे वीडियोस YouTube पर देखे भी होंगे, कुछ लोग ग्लासेस पे पढ़ा रहे हैं, वो कैसे पढ़ा रहे हैं, ये इसमें ये इतनी एक्सपेंसिव है ही नहीं, इट इज़ वेरी लेस एक्सपेंसिव, बहुत कम खर्चीली ये सुविधा है जो लाइट बोर्ड वाली है। इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, एक ग्लास यूज़ होगा, ग्लास LED लाइट्स जो स्ट्रिप्स वाली हैं, LED लाइट स्ट्रिप्स, और यूज़ होगा इसमें एक मार्कर्स, प्लेन मार्कर्स जो होते हैं, बोर्ड मार्कर्स, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ बोर्ड मार्कर्स परमानेंट मार्कर यूज़ नहीं करने, बोर्ड मार्कर्स यूज़ करने हैं। और उसके बाद एक ब्लैक स्क्रीन, यानी पीछे कोई एक काला पर्दा लगा देना है, और आपका काम हो गया सर। उसके बाद एक ऐप है, या अगर आपके पास सिस्टम अवेलेबल तो आप बस उसको फ्लिप कर सकते हैं, उसको मतलब जो इमेज है वीडियो की इमेज, उसको उल्टा कर देना है ना, लिटरल इन्वर्जन आपने पढ़ा होगा, तो लिटरली इन्वर्टेड कर देनी है, तो वो सीधी होके दिखेगी जो भी देखने वाले हैं आपके। तो मैंने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई हैं सब यूज़ कर चुका हूँ मैं, तो आपके सिचुएशन को जो भी चीज़ सूट करती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइटिंग टूल्स। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मार्कर्स की। तो अगर आप नॉर्मली टीचिंग करना चाहते हैं तो मार्कर यूज़ करिए, स्केच भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप पेपर यूज़ कर रहे हैं, पेंस यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह अगर सोच रहे हैं कि हम ऐसे करें जैसे मैं भी कर रहा हूँ, बहुत सारे अलग टीचर जो अदर टीचर्स हैं वो भी ऐसे करते हैं, तो आप मेरी तरह ये डिजिटल टैबलेट ले सकते हैं, ये डिजिटल पेन टैबलेट है, तो इससे मैं जो भी अभी लिख रहा हूँ, जैसे आपको ये दिख रहा है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ या अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये आप इसके माध्यम से भी कर सकते हैं, मगर मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जो पेंडेमिक का टाइम है इसमें मेजॉरिटी ऑफ अस, हमारी जेबें ढीली हैं, सैलरी आ नहीं रही है, इनकम हो नहीं रही है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च करें इसके लिए। तो ये मैंने बहुत पहले 3 साल पहले ले लिया था, मुझे शौक था सीखने का तो मैंने ले लिया था, मगर अभी ये बहुत ज़्यादा काम आया है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं ये भी आप ले सकते हैं, मेरे पास वाकॉम का है और HP के भी आ रहे हैं, बहुत सारे टूल्स, राइटिंग पेन, आप डिजिटल पेन टैबलेट या राइटिंग पेन टैबलेट करके सर्च करेंगे Amazon पे, Flipkart पे, आपको मिल जाएंगे, तो इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं सजेस्ट करूँगा मार्कर यूज़ करिए, स्केच यूज़ करिए या पेंस यूज़ करिए। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, तो आप डिजिटल पेन टैबलेट ऑब्वियसली यूज़ कीजिए, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल। इस तरह की टीचिंग अब न्यू नॉर्मल होने वाली है, हम सभी को डिजिटली टीच करना पड़ेगा ही आगे आने वाले फ्यूचर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डर की। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझा सकता था यहाँ पे, बहुत सारे टूल्स मैं यूज़ कर चुका हूँ, मगर मैं बात करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट की, कॉस्ट इफेक्टिव। एक OBS करके आता है, अगर आप PC यूज़ कर रहे हैं तो OBS, ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर, तो उसके माध्यम से भी हम यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपको फ्री मिल जाएगा इसकी अपनी साइट पर, OBS की साइट पर ही आपको फ्री मिलेगा। इसके 2 वर्जन, एक प्रो वर्जन है, OBS प्रो की आपको ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं भी OBS का फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, जो OBS फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को अवेलेबल करा रहा है, तो आप वो यूज़ करिए, उससे आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि वो लाइव टीचिंग के लिए यूज़ होता है, मगर लाइव वीडियोज़ के लिए यूज़ होता है, टीचिंग में भी यूज़ होने लगा है, मगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग करने में भी इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। इसके बाद में अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर होते हैं, वहाँ से आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और PPT चलाने के लिए 2 पावर पॉइंट भी मोबाइल में अवेलेबल है, तो ये तो आपको पता ही होगा, पावर पॉइंट भी अवेलेबल है, और WPS करके, WPS ऑफिस करके भी है ऐप, वो भी अवेलेबल है, ऑफिस 365 है, ये भी अभी अवेलेबल हो गया है टीचर्स के लिए, तो आप अगर टीचिंग डालेंगे कि हम टीचर्स हैं तो ऑफिस 365 आपको मिल जाएगा, और ऑफिस 365 आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में, और स्क्रीन रिकॉर्डर चलाइए तो आप PPT भी वहां पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये 2 कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं को यूज़ कीजिए, पैसा खर्च मत कीजिए ज़्यादा, मेहनत लगेगी उस पैसा खर्च करने के बाद भी, उसको सीखने में और चलाने में मेहनत लगेगी,
और ये जो दो मैंने चीज़ें बताई आप इसको आसानी से सीख भी सकते हैं, इसमें पैसा भी खर्च नहीं होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं वॉइस रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। देखिए अगर आप OBS की बात करें तो OBS में अपने आप बिल्ट इन वॉइस रिकॉर्डर है, मैंने बस माइक लिया हुआ है। तो अगर आप माइक अफोर्ड कर सकते हैं 300, 400, 600, ये जो माइक है अभी 800-900 में अवेलेबल है, बोया का माइक है मेरा। तो हालांकि मैंने 4,500 का लिया था क्योंकि एक भाई साहब है हमारे यूट्यूबर, बहुत फेमस यूट्यूबर हैं गुरु जी, उन गुरु जी की वजह से ये उन्होंने बता दिया कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो उस टाइम में मार्केट में शॉर्ट हो गया, मुझे 4,500 का मिला था, तो मैंने भुगता है और मेरे पास पैसे ज़्यादा थे उस टाइम। हालांकि आज तो मैं भी पैसों से तरस रहा हूँ, मगर उस टाइम ज़्यादा थे, तो मैंने भी 4,500 का माइक खरीदा है जिसकी कीमत 800-900 रुपये से ज़्यादा नहीं थी। और मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर के में भी बिल्ट इन वॉइस रिकॉर्डर होता है। हाँ हालांकि वहाँ जाके आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, वो बहुत मामूली सेटिंग है कि उसके डिवाइस का माइक्रोफोन उसको यूज़ करना है, इनेबल करना है, बस वो आपकी वॉइस भी ले लेगा। सर मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो जो CBSE के जो नोटिफिकेशन से रिलेटेड हैं जो मैंने अपने फ़ोन से ही बनाए हैं, कभी कभी मेरे पास टाइम नहीं होता था तो बैठे बैठे मैंने वो वॉइस रिकॉर्ड जो स्क्रीन रिकॉर्डर है मोबाइल का उसी से वीडियो बना दिए हैं। तो ऐसे भी मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आप भी बना सकते हैं। मैं सिर्फ मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि हमारे देश का हर टीचर जो मेरे खुद के गुरुजन भी हैं जिनसे मैंने सीखा है और मेरे गुरुजनों की एज के हैं या अभी बडिंग टीचर्स हैं, आप बिल्कुल डिप्रेस नहीं हो इस टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से, इस कोरोना की वजह से। बट हाँ दिस इज़ गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल, हम समझ रहे हैं धीरे धीरे। हालांकि ऑफलाइन टीचिंग का जो मज़ा है वो कभी ऑनलाइन टीचिंग शायद ही आ पाए, अभी अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि हमारी इमेज ही बच्चों को अपने कमरे में दिखने लगे। हालांकि वो भी टेक्नोलॉजी अभी प्रोसेस में है, कुछ लेवल तक सक्सेस मिल गई है इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को, तो ठीक है उसका भी इंतज़ार करेंगे, मगर टीचर्स की वैल्यू कभी कम नहीं होने वाली है। ठीक है टेक्नोलॉजी हमें सीखनी पड़ेगी, समय की डिमांड है तो हम सीखेंगे। ठीक है तो आप ये इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर लीजिए, दोनों में से कोई एक चीज़ तो आपके पास होगी होगी। अगर PC है तो OBS डाउनलोड करिए, आई वुड सजेस्ट यू। और मोबाइल ही है, PC नहीं है तो मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर आपके पास फ़ोन में अवेलेबल होगा, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट नाउ वीडियो एडिटर। भाई वीडियो एडिटर अभी ये मैंने ही वीडियो बनाया है तो वीडियो एडिटर मैंने कैसे किया, ठीक है मेरे पास कैमटेशिया है, आप परचेज कैमटेशिया। ठीक है अगर आपके पास नहीं है तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, काइन मास्टर ले सकते हैं, विंडोज़ मूवी मेकर है, हालांकि इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है, मगर एक मोबाइल के लिए यूकट वीडियो एडिटर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके बाद अगर आपके पास पैसे हैं तो कैमटेशिया या फिल्मोरा ले लीजिए, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैंने यूज़ नहीं किए हैं, मैंने जो जो यूज़ किया है मैं आपको बता रहा हूँ, और भी इससे ज़्यादा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, बट आई वुड प्रेफर कि आप यूकट पर जाइए, ये वाला आप इसको मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए, या कैमटेशिया या फिल्मोरा। ठीक है तो ये आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो ये भी आप परचेज़ करते हैं। इन दोनों के साथ समस्या है कि जब तक आप परचेज़ नहीं करेंगे इनका वाटरमार्क वीडियो से नहीं जाता है, तो जैसे मैं भी कैमटेशिया यूज़ कर रहा हूँ तो अगर मैंने परचेज़ नहीं किया होता तो इसका नहीं जाता। हाँ यहाँ मैं ठीक है आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ कि क्रैक वर्जन्स भी अवेलेबल होते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स के, तो वो दैट अगर आपको टेक्नोलॉजिकल इतना साउंड है, आप इनको नॉलेज है कि क्रैक वर्जन कैसे डाउनलोड करना है और यूज़ करना है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि क्रैक वर्जन कैसे यूज़ करते हैं, और मैं अपने जो गैजेट्स हैं यानी मेरा लैपटॉप है स्पेशली उसके साथ कोई रिस्क लेना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि इसमें ओरिजिनल विंडो है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, तो और मेरी भी पॉकेट भी अलाउ नहीं करे, तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया है और परचेज द कैमटेशिया और मुझे ठीक ठाक पैसों में मिल गया था, तो आप कैमटेशिया ले सकते हैं, कैमटेशिया अच्छा है। फिल्मोरा मैंने चलाया मगर मैं कैमटेशिया से ज़्यादा प्रभावित हूँ, कैमटेशिया 2019 लीजिए, उसमें और ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं तो वो आप ले लीजिए। हालांकि अगर नहीं ले पा रहे हैं तो यूकट वीडियो की तरफ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैकग्राउंड स्क्रीन की, तो अगर आप लाइट बोर्ड यूज़ करें जिसके मैंने बारे बताया था, एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर लिख रहे हैं, तो उसके लिए ब्लैक स्क्रीन चाहिए, पीछे पूरी ब्लैक स्क्रीन चाहिए। मगर आप मेरी तरह बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं, जैसे मैंने हटा दी अभी, मेरे पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आपको ग्रीन स्क्रीन लगानी पड़ेगी, उसमें कुछ नहीं करना, चाहे ब्लैक स्क्रीन हो या ग्रीन स्क्रीन हो, कुछ नहीं, मार्केट जाइए कपड़ा खरीदिए, अपने दीवार का डायमेंशन ले लीजिए, उतना बड़ा कपड़ा उतना खरीद के लाइए उसको। मैंने कील लगाई हुई है पीछे, सर कील से गाड़ा हुआ है, अपने हाथों से ठोकी है, तो ग्रीन स्क्रीन लगा लीजिए, लाइट बोर्ड यूज़ करें तो ब्लैक स्क्रीन लगा लीजिए। और अगर आप बैकग्राउंड दिखाना चाहते हैं अपना, तो नॉर्मल बैकग्राउंड अगर आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, आपके पास गार्डन है या आपका जो ड्राइंग रूम है बहुत सुंदर है,
तो आपको ग्रीन स्क्रीन या ब्लैक स्क्रीन, मतलब ब्लैक स्क्रीन तो लाइट बोर्ड में यूज़ करेगी, पर ग्रीन स्क्रीन की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से अपना वीडियो वहाँ बैठकर बनाइए और शेयर कीजिए अपना बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुक्स और कंटेंट। बुक्स और कंटेंट आप सभी एज ए टीचर इसकी इम्पॉर्टेंस आप समझते हैं, आपको पता है कि बुक्स और जो कंटेंट है उसकी कितनी इम्पॉर्टेंस है। मगर हाँ, आप बहुत स्कॉलर हैं, आपकी अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड है, आप बुक लेके नहीं पढ़ाते, आपको कभी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सर यू आर मोस्ट वेलकम, मैडम यू आर मोस्ट वेलकम, आप पढ़ाइए आपके दिमाग में जो है, क्योंकि बुक्स भी तो इंसानों ने लिखी हैं यार, बुक्स हम जैसे इंसानों ने लिखी हैं, बुक्स कोई ऊपर से उतर के तो आई नहीं है। तो अगर आपके बुक्स अवेलेबल हैं वो करिए, आपके पास कंटेंट यहाँ है तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं। ई बुक्स भी बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। और सबसे अच्छी जो अभी मुझे प्लेटफॉर्म पता है, मुझे पता है इससे ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं मानता हूँ, तो NCERT बुक्स अवेलेबल हैं NCERT की साइट पर। तो NCERT की साइट पर आप जाइए और वहाँ से बुक्स आप डाउनलोड कर लीजिए, उनको यूज़ कीजिए आप। नेक्स्ट, टूल्स फॉर लाइव क्लासेस, जो अभी बहुत हॉट टॉपिक है, सब जानना चाहते हैं भैया कैसे लाइव पढ़ाएं। तो लाइव पढ़ाने का सबसे जो मुझे अच्छा लगता है तरीका, मैं अपना बता रहा हूँ, यूट्यूब लगता है मुझे। और यूट्यूब में दो तरीके हैं, एक तो एक्चुअल में लाइव है और एक होता है प्रीमियर, कि भैया हमने अपना वीडियो प्रीमियर कर दिया। दोनों में मैं डिफरेंस समझाता हूँ। लाइव ये है कि मैंने अभी कनेक्ट किया और उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं बात कर रहा हूँ या वीडियो बन रहा है, तो वीडियो लाइव चल रहा है, यानी कुछ 15-20 सेकंड का अंतर रहता है। प्रीमियर पे क्या होता है कि वीडियो पहले से रिकॉर्डेड कर दिया है, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है और उसका हमने एक टाइम सेट कर दिया, वो लाइव वीडियो की तरह चलता है। उसमें लाइव चैट का ऑप्शन आता है, तो उस लाइव जो लाइव चैट का ऑप्शन लाइव में भी आता है वो प्रीमियर में भी आता है। तो प्रीमियर बच्चे आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ टाइप करके उसका आंसर दे सकते हैं। लाइव में क्या है कि आपको क्वेश्चन वहाँ आ रहा है 15 सेकंड बाद, तो लाइव ही बोलकर उसका आंसर दे सकते हैं, बस इतना सा ही डिफरेंस रहता है। मगर ये भी एक अच्छा, बहुत अच्छा फीचर है यूट्यूब का। और यूट्यूब पर अगर आप, जैसे मैंने आपको PPT शेयर करनी है या कोई भी कंटेंट शेयर करना है, तो आपको OBS की जरूरत पड़नी पड़ने वाली है। मैं आपको बता ही रहा था कि OBS सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ नहीं हो सकता, OBS बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज हो सकता है। लाइव क्लासेज इज़ वन ऑफ देम। OBS यूट्यूब पर, फेसबुक पर लाइव क्लासेज यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आप गूगल डुओ से पढ़ा सकते हैं, जो फ़ोन से यूज़ होगा। गूगल हैंगआउट से आप पढ़ा सकते हैं। जूम एक बहुत अच्छा ऐप निकल कर आया है, हालांकि चाइनीज़ है, तो आप बाइकॉट कर रहे हैं तो बाइकॉट करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं जूम से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं यूट्यूब से ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, या फेसबुक से मैं पढ़ाता हूँ, या मैं इंस्टाग्राम से पढ़ाता हूँ। मेरा एक वीडियो मैं डाउन अपलोड करता हूँ, वो मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करता हूँ, मैं फेसबुक पर भी अपलोड करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर देता हूँ। जूम मैं पर्सनली नहीं पसंद करता हूँ, मगर जूम के मैं फीचर्स बता दे रहा हूँ आपको। जूम में बहुत सारे फीचर हैं, आप लाइव जा सकते हैं, और एक चीज़ आप और कर सकते हैं, जो हालांकि आप OBS के साथ भी कर सकते हैं, कि आपने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, वो रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास है, तो आप जूम पर उसको प्ले कर सकते हैं, उसकी ऑडियो भी चली जाएगी और वीडियो भी चली जाएगी, और सेम टाइम पर आप अवेलेबल भी हैं बच्चों की क्वेरीज का जवाब देने के लिए, कि बच्चे अगर वहाँ चैट बॉक्स में क्वेरी करें तो आप वीडियो पॉज करके उनके सवाल को जवाब दे सकते हैं। ऐसा ही आप OBS में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जूम पर ही। जूम को बहुत ज़्यादा फैला दिया गया है, ठीक है, इसका प्रचार ज़्यादा हुआ है, मगर आप ये काम OBS पे भी कर सकते हैं। मैंने OBS पे ही किया था सबसे पहली बार, जूम पे मैंने अभी तक इसको नहीं किया, मगर मैंने जितने वेबिनार या सेमिनार अटेंड किए हैं तो वहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद भैया फेसबुक पर आप लाइव जा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर लाइव जा सकते हैं, आपके पास एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं। अब इससे ज़्यादा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो मैंने यूज़ नहीं किए मगर हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। बट आई पर्सनली लव यूट्यूब, आई पर्सनली लव फेसबुक, आई पर्सनली लव इंस्टाग्राम, वहाँ पर आप जाकर पढ़ा सकते हैं लाइव। और बहुत सारे और टूल्स हैं, मैं OBS का इस्तेमाल करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पर्सनली लाइव जाने के लिए OBS का इस्तेमाल करता हूँ। और यहाँ पर जैसे यूट्यूब पे अगर मैं बात करूँ, जैसे ये सेशंस आ रहे हैं तो ये प्रीमियर के थ्रू आ रहे हैं, तो मैं वहाँ पर यूज़ करता हूँ। मैं प्रीमियर, आप फेसबुक पर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर प्रीमियर की सुविधा नहीं, मगर फेसबुक पर प्रीमियर की सुविधा है, तो वहाँ भी वो प्रीमियर हो जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें लाइव क्लासेस के लिए यूज़ होती हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ अपने बारे में, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। देखिए मुझे इतने पैसे तो नहीं मिलते हैं यूट्यूब से, मगर जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जब मेरे लाइक्स बढ़ते हैं, तो मुझे एक मोटिवेशन आता है कि मैं आप लोगों के लिए जो कर रहा हूँ ना, आपको पसंद आ रहा है,
और मतलब मज़ा आ जाता है मुझे, बस अब ज़िंदगी जीने का जो सुख मिलता है ना वो आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मिलता है, तो वो कर दीजिए। आप चाहे ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो वहाँ करें, Facebook पर अगर देख रहे हैं तो वहाँ उसको लाइक कर दीजिए और फॉलो भी कर सकते हैं आप मुझे। आपको जब कुछ नहीं करना, YouTube पर जाकर आप सॉल्ट इंडिया सर्च करेंगे सॉल्ट इंडिया मिलेगा आपको, Facebook पर सर्च करेंगे सॉल्ट इंडिया मिलेगा आपको, Instagram पर सर्च करेंगे सर Instagram पर भी मिलेगा। और आपको कोई भी लाइव डिस्कशन मुझसे करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा टेलीग्राम पर, ये मेरा चैनल है सर, ये आप साइन आप टेलीग्राम डाउनलोड करिए, बस सॉल्ट इंडिया सर्च करिए, सॉल्ट इंडिया का आपको एक चैनल मिलेगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए, मुझसे डिस्कशन करिए, मैं आपके सवालों का देर सवेर जवाब जरूर दूंगा। और अपडेट्स के लिए आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारी एक वेबसाइट है छोटी मोटी सी, वहाँ पर आप अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट है जहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल कराते हैं बच्चों के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अभी जितने भी मेरे शिक्षक गण हैं मैं सभी से अभी आज्ञा चाहता हूँ, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कि इनको और अच्छे तरीके से कैसे यूज़ किया जाए, जो हमारे जो टूल्स और गैजेट्स हैं ओके, इसको और बेहतर तरीके से कैसे यूज़ किया जाए। पहले मैं मुझे आप लोगों का आदेश आया था कि आप बताइए आप कैसे पढ़ाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मैं क्या क्या ट्राई कर चुका हूँ और आप भी कैसे पढ़ा सकते हैं, आपके पास क्या क्या अभी पावर है इनको आप यूज़ करके, जो जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके आप पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे चाहता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।